tirai di dirare te coi rasavale vi pare senza fiare te senti che che si è aggredito a te io che annullavo che la chiave sa cambiare che non c'è vero. हेलो फ्रेंड्स, इस टाइप के स्टेटस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। फिर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको एक समय में क्लिक कर देना है, फिर आपको सबसे नीचे आना है, फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर आपको एक लेयर में लगा आपको उस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको वॉइस फ़ोटो को ऐड कर लेना है, फिर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है ऐसे, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे, फिर से आपको नेक्स्ट फ़ोटो को ऐड कर लेना है ऐसे, फिर से आपको ऊपर वाले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको फोटो को ऐड कर लेना है ऐसे, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे, फिर से आपको नेक्स्ट फोटो को आपको ऐड कर लेना है ऐसे दोस्तों, फिर से आपको ऊपर वाले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है दोस्तों, फिर से आपको न्यू फोटो का आपको ऐड कर लेना है फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको न्यू फोटो का आपको ऐड कर लेना है, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे टैप कर देना है, फिर से आपको फोटो को ऐड कर लेना है ऐसे दोस्तों, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको फोटो को ऐड कर लेना है ऐसे, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको न्यू फोटो का आपको ऐड कर लेना है ऐसे, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको कलर एंड फिल टैप करना है, फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको फोटो को ऐड कर लेना है फिर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।